नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज बात होगी गुजरात की नहीं बल्कि देश की वीवीआईपी सीट यानी कि वडोदरा लोकसभा सीट के बारे में, जहां साल 2014 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। पीएम मोदी ने आज से 5 साल पहले इस सीट पर 5,70,128 मतों से जीत दर्ज करते हुए सफलता का नया अध्याय लिखा था। उनके खिलाफ खड़े हुए कांग्रेस के कद्दावर नेता मधुसूदन शास्त्री को मात्र 2,75,336 वोटों पर संतोष करना पड़ा था, जबकि पीएम मोदी जो कि उस वक्त पीएम पद के उम्मीदवार थे, उनको 8,45,464 वोट मिले थे। वडोदरा सीट पर ये सबसे अधिक अंतर वाली जीत थी, जबकि चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी के सुनील कुलकर्णी सहित 6 अन्य उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, क्योंकि वो न्यूनतम मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। इस सीट पर 18,000 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल भी किया था। तो वहीं 2009 के चुनाव में बीजेपी के बालू शुक्ला यहां से 1.36 लाख वोट से जीते थे। हालांकि मोदी ने इतिहास रचने के बाद भी इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो वडोदरा और वाराणसी से दोनों जगहों से ही चुनाव मैदान में उतरे थे। दोनों ही संसदीय क्षेत्र से उन्होंने शानदार जीत भी हासिल की थी, लेकिन पीएम बनने के बाद उन्होंने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया था और वाराणसी सीट अपने पास रख ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद खाली हुई वडोदरा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसे कि बीजेपी की रंजन बेन भट्ट ने जीता। उपचुनाव में रंजन बेन भट्ट को 5,26,763 वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ खड़े हुए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र रावत को मात्र 1,97,256 वोट मिले थे और उनको उन वोटों के साथ संतोष करना पड़ा था। रंजन बेन शहर के उप महापौर भी रह चुकी हैं। वडोदरा में आज से करीब 125 साल पहले गायकवाड़ राज हुआ करता था, तब से लेकर अब तक वडोदरा की पहचान संस्कार नगरी के तौर पर रही है। यहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ गीत नृत्य और कला से जुड़ी कई संस्थाएं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब सेफ सीट के तौर पर वडोदरा को चुना तो यहां का माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा। पहले कांग्रेस ने यहां से नरेंद्र रावत को उतारा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यहां से दावेदारी पेश की तो चुनौती देने के लिए कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री को यहां की रणभूमि में उतार दिया गया। लेकिन वडोदरा की जनता ने रिकॉर्ड मतों से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यहां जिता दिया। वडोदरा संसदीय क्षेत्र के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर गायकवाड़ राज होने के कारण गुजराती के अलावा मराठी और हिंदी भाषी भी अच्छी तादाद में हैं। 22,98,052 आबादी वाले इस शहर में 19% लोग गांव में रहते हैं और वहीं पर 80% लोग शहरों में निवास करते हैं। यहाँ 6% लोग SC और 6.17% लोग ST वर्ग के हैं। वडोदरा इंडस्ट्री का भी गढ़ है। इस शहर का मुख्य कारोबार फार्मेसी का है, लेकिन यहाँ L&T, ABB, सीमेंस, ऑलस्टॉम जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। इतना ही नहीं, देश के एकमात्र मेट्रो कोच बनाने वाली जर्मन कंपनी बॉम्बिडियार को भी यहाँ प्लांट वडोदरा के इस सवाली में है। नरेंद्र मोदी यहाँ कई सालों तक संघ के प्रचारक के रूप में भी काम कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर किसी करिश्मा से कम नहीं है। 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले उन्होंने सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 1995 और 1998 के विधानसभा चुनाव में सेक्रेटरी के तौर पर उनकी रणनीति के बदौलत ही बीजेपी को पहली बार गुजरात में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई थी और उसके बाद गुजरात बीजेपी का गढ़ बन गया और इस राज्य के विकास मॉडल ने मोदी के पीएम बनने का रास्ता खोल दिया। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर साल 1989 में भगवा पताका फहरा रही और सन 1996 के बाद से यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। मोदी की लहर ने साल 2014 के चुनाव में ऐसा जादू किया कि गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस हाशिए पर चली आई। लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी का ये जादू बरकरार रहेगा? यही सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा है, जिसका जवाब हमें जल्द ही चुनावी नतीजे देंगे। देखते हैं कि गुजरात की जनता का फैसला इस बार क्या होता है। आज के सफर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई लोकसभा सीट के लेखे जोखे के साथ। बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।